हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आ गए हैं बनाड़, जहाँ पे एक गौशाला है और उस गौशाला में जो हकीकत है वो सब आपको रूबरू कराएंगे उस हकीकत से। और देखेंगे आप कि एक बिन बियाई गाय, जिनके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, वो गाय दूध देती है और वो भी सबके सामने देती है। ऐसा नहीं है कि कोई छुपा कर रखा गया है, वो सब आज देखेंगे हम लोग। और ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा संसार में, वो सब जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और अभी हम गौशाला में ही खड़े हैं और वो देख पा रहे होंगे अभी गाय यहाँ पे, हम मिलेंगे और उस पूरा वीडियो आपको देखना है और कंप्लीट देखना है, दोस्तों में सबको शेयर करना है। और ये चमत्कार नहीं, हकीकत है इस गौशाला की। और ये बनाड़ के एकदम पास में आई हुई, बनाड़ और खोकरिया के बीच में। तो आपको जब भी मौका मिले तो आप यहाँ ज़रूर आइए और ये वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी और ऐसे बहुत सारे चमत्कार नहीं, इनको मैं हकीकत कहूँगा, ये हकीकत है, हमने आँखों से देखा और आपको भी अभी दिखाने की कोशिश है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गुरुजी हमारे सामने गौ माता का दूध निकाल रहे हैं। और ये यहाँ के गुरुजी है और पूरी जो गौशाला है उनके यही संभालते हैं पूरी गौशाला। और देख पा रहे होंगे अभी ये दूध निकाल रहे हैं और ये है वो गौ माता जिसे जीजी के नाम से सब यहाँ पे जानते हैं। ये देखिए आप, गौ माता दूध दे रही है और ये दिन में 2 टाइम दूध देती है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया है गौ माता के बारे में कि इनके कोई भी मतलब बछड़ा वगैरह नहीं है, फिर भी ये पिछले 2 साल 7 महीने और 4 दिन से दूध दे रही है। और जब ये 3 साल की थी तब से दूध दे रही है और लगातार दूध दे रही है, दिन में 2 टाइम दूध देती है। देखिए आप लोग किस तरह गुरुजी दूध निकाल रहे हैं और एकदम शांति से गौ माता खड़ी है और दूध निकलवा भी रही है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये लात वगैरह कुछ नहीं मार रही है आराम से। और इनके जो घुंघरू वगैरह बांधे हुए उनकी आवाज़ भी आप लोग सुन पा रहे होंगे। और ये देखिए, दर्शन करिए आप किस तरह गुरुजी देखिए इनको पुकारते ही ये शांत हो जाती है। और जिस तरह इंसान समझदार होते हैं उसी तरह ये गौ माता भी समझदार है और ये भी अपने नाम के हकदार हैं। जैसे इनका नाम लेके गुरुजी बोलते हैं तो ये समझ जाती है तुरंत, देख पा रहे हैं आप लोग। और लगातार ये दूध दे रही है अभी भी, ये कोई चमत्कार नहीं है। देखिए आप लोग, जो भी है हकीकत है, सबके सामने है और कैमरे के सामने ये देखिए आप लोग सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा है और हमने मान लिया, ऐसा नहीं है, जो भी है वो सब देखिए आप लोग। और हम बात करेंगे, जो यहाँ पे डॉक्टर है, कंपाउंडर है, वो भी आए हुए हैं और जिन्होंने इस गौ माता का जांच की थी कि ये प्रेग्नेंट हुई थी या नहीं हुई थी उसके बारे में, और वो सब भी हमें अपनी राय बताएंगे, उनसे जानेंगे। और भी अभी आप देखते रहिए, इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। ये गौशाला देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एड्रेस में पहले आपको बता दिया है। ये बनारस से 1 किलोमीटर है, पहले एक पेट्रोल पंप आता है उसके पास ही है। और आपको जब भी मौका मिले आप यहाँ पर आइए और दर्शन करिए इस अद्भुत अविश्वसनीय चीज़ को, आप लोग देखेंगे और विश्वास करेंगे हकीकत का। देखिए आप लोग, देखिए किस तरह से शांति से गौ माता खड़ी है और दूध निकलवा रही है, पिछले 4-5 मिनट से दूध निकलवा रही है ये लगातार। देखिए आप लोग किस तरह शांति से खड़े हैं और देखिए इनके जो घुंघरू वगैरह सब बांधे हुए गले में। और गुरुजी देखिए लगातार दूध निकाल रहे हैं और गाय को, गौ माता को पुकारते ही ये वापस एकदम शांत खड़ी हो जाती है। एकदम ये जोजरी नदी के पास में गौशाला बनी हुई है। और जोधपुर साइड से हम बनाड़ की ओर आते हैं तो बनाड़ से 1 किलोमीटर पहले ये गौशाला बनी हुई है। और गौशाला का नाम वगैरह वो सब मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में और एड्रेस भी बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और सब कुछ हम आँखों से देख रहे हैं तो यकीन क्यों नहीं होगा, सबको होगा यकीन।
और देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी गो भक्त हैं और उन सब तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी यहाँ पर आए और दर्शन करिए इस चीज़ का, जो आपको संसार में कहीं और देखने को मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। देखिए अभी गुरुजी इसके परिक्रमा देंगे इसके बीच में से, और आप भी अगर इसमें के बीच में से गौ माता के ऐसे बीच में से परिक्रमा देंगे या गौ माता के कान में कुछ जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मांगेंगे तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी, ये गुरुजी का दावा है। भक्ति रखता है और इसकी प्रदक्षिणा करे, इसके नीचे से निकले और सवेरे ये किसी की आवाज़ ना सुने, और यदि कोई इसके दाएं कान में अपने मनोरथ बोलता है तो शीघ्र ही सिद्ध होते हैं। ये बिगर ब्याहे दूध देती है, आज तक बछड़े को जन्म नहीं दिया। ये 5 साल 7 महीने 4 दिन की है, जो 3 साल की थी तब से दूध दे रही है, तो 2 साल 7 महीने 4 दिन हो चुके हैं आज की तारीख में, और ये गौ माता दूध दे रही हैं। और जिस किसी बच्चे ने परीक्षा ली थी हनुमान जी की, माँ दुर्गा की, भगवान भोलेनाथ गजानन जी की, वो भी यहाँ पर मौजूदगी में है, आप उससे भी मिल सकते हैं। जय गौ माता की, जय गौ माता। तो आपने देखा गौ माता का दूध निकाला गुरुजी ने, और अभी देखिए गौ माता को गुरुजी नीचे लेके आएंगे, और ये सीढ़ियाँ देख लीजिए आप लोग किस तरह की सीढ़ियाँ, और इनसे गौ माता अभी उतर कर आएगी। देखिए आप लोग जिस तरह इंसान उतरते हैं उसी तरह देखिए आप लोग गुरुजी के पीछे पीछे गौ माता आ रही है। जीजी कहिए इसे आप, जीजी के नाम से जानते हैं। और ये देखिए गुरुजी दूध लेके आए, ये भी देखेंगे अभी, और पहले देख लीजिए आप लोग देखिए किस तरह छलांग लगाई है। और अभी पहले हम देखेंगे गुरुजी के हाथ में जो बाल्टी है उसमें दूध देखेंगे कितना दूध दिया है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, लगभग आधा किलो दूध है इसमें, आपके सामने और गुरुजी ने ये सब निकाला है। जय गौ माता की, जय गौ माता, वंदे गौ माता। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे, ये हमारे पास है कंपाउंडर और इनसे बात करेंगे, ये बताएंगे हमें पूरी जानकारी आगे की। जय श्री कृष्ण। आपका नाम? मुकेश चौधरी, वेटनरी कंपाउंडर, नांदरी गौशाला, यहाँ भी काम करने के लिए आता हूँ, जब भी टाइम मिलता है फ्री तो यहाँ सेवा देने के लिए आता हूँ। इस गौशाला में मैं 2 साल से आ रहा हूँ, 2.5 साल से कम से कम। अच्छा, तो इस गाय को मैंने देखा तो गुरुजी से बोला, गुरुजी कुछ चमत्कार हो जाए इस गौशाला में, तो गुरुजी ने बोला इस गाय को चेक कर, और जिस दिन मैंने गाय को चेक की ये नेगेटिव थी, और उसी दिन से आधा लीटर से उसी दिन हाथों हाथ ही आधा लीटर दूध निकाला इसका, हाथों हाथ जस्ट 2 मिनट के बाद ही चेक कर। उसके बाद 2.5 साल हो गए हैं, इसने अभी कोई वापस प्रेग्नेंट नहीं हुई है, अभी भी नेगेटिव है और कंटिन्यू दूध देती है। 2.5 साल हो गए दूध देते? हाँ, 2.5 साल हो गए हैं दूध दे रही है, दोनों टाइम में दूध दे रही है, और दूध में कोई फटने की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आम गाय दूध देती है। हाँ, जैसा ही दूध दे रही है, और बिना बच्चे दूध दे रही है आराम से, और दूध निकालते टाइम आप नीचे से निकलो चाहे हाथ घुमाओ कुछ भी, कोई तकलीफ नहीं, लाद भी नहीं उठाती। पहले मारती थी, अब मारती आरती कुछ नहीं। ये इस गौशाला की कपिला गौ माता है। तो देखिए आप, ये कोई चमत्कार नहीं है, हकीकत है इस गौशाला की, जो हम लोगों ने देखी है और मुकेश जी ने हमें बताई है, और गुरुजी ने हमारे सामने जो गाय का दूध निकाला था वो भी आपने देखा है, और गाय का नाम इसे जीजी कहते हैं प्यार से, और वो सब हमने देखा है इस गौशाला में। ये कोई चमत्कार नहीं, यहाँ की हकीकत है, आप लोग भी जब भी मौका मिले यहाँ आकर ये हकीकत से रूबरू हो सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से हुआ है ये सब कुछ, ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा से हुआ है, और इन्होंने कोई जिद की थी जिनकी वजह से? हाँ, मैंने गुरुजी से जिद की थी, गुरुजी कुछ चमत्कार दिखाओ, तो गुरुजी ने कहा जा आज इस गाय को चेक कर ले, और ये चमत्कार ही है, उसी दिन से कंटिन्यू दूध दे रही है। देख पा रहे होंगे आप, वो देखिए वो जीजी जो खड़ी है सामने गाय, उनका नाम जीजी है, और वो देखिए गुरुजी जो अभी वहाँ से बात कर रहे हैं, उन्होंने इनको बोला था इनके कोई जिद हुई थी, तो गुरुजी ने कहा कि वो वहाँ पे जो उस टाइम आज से 2.5-3 साल पहले जब वो गाय छोटी थी तब बोला कि जा इस गाय को दूध निकाल दे, दूध निकलेगा, और बिन बियाई गाय के दूध निकला था। उस टाइम इसकी एज 3 साल थी, उस टाइम इसकी एज 3 साल थी, तो आज 5.5-6 साल की हो गई। आज तो 5-6 साल कुछ महीने हो गए इसको। अच्छा, ये सब जानकारी ली हमने मुकेश जी से, और हम खुद भी यहाँ पर आके दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा है, और आपको भी जब भी मौका मिले तो यहाँ पे ज़रूर आइए फैमिली के साथ और इस हकीकत से रूबरू होइए। ये बनाड़ खोखरिया एरिया है जो जोधपुर के पास में ही है, वहीं पे आई हुई गौशाला है, और यहाँ पर व्यवस्था वगैरह भी एकदम ढंकी है, वो सब आप देख सकते हैं जब भी आपको मौका मिले।
तो फ्रेंड्स अभी फाइनली ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और मैंने आपको दर्शन करवाए हैं जीजी के, जो एक गौ माता है और जिनको जीजी के नाम से भी यहाँ पे सब पुकारते हैं, और दर्शन किए आपने, बहुत ही दिल खुश हो गया आज यहाँ आके। आपको भी जब भी मौका मिले आप ये नाम नोट कर लीजिए, श्री श्री माँ श्री संदीपनी राम धर्म गौशाला, और ये बनाड़ के एकदम पास में आई हुई। आपको जब भी मौका मिले आप यहाँ आइए और दर्शन करिए उस गौ माता का, जो बिना बच्चा पैदा किए पिछले 2.5-3 सालों से लगातार 2 टाइम दिन में दूध देती है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। जय गौ माता की।